प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। मैं ऋषिपाल खदाना हंसा देहाती रागिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुति है महाभारत। आचार्य द्रोण के सामने एक चुनौती आई दुर्योधन की तरफ से कि गुरुदेव आप हमारे साथ विवाद कर रहे हैं, आप हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और आपका मन पांडवों की तरफ है, ये नहीं होना चाहिए। आचार्य द्रोण ने प्रतिज्ञा की, ए दुर्योधन तेरी सोच गलत है, चल अगर तेरी सोच ऐसी है तो कल के युद्ध में एक ऐसा जाल बुना जाएगा जिसका नाम चक्रव्यूह होगा और उसमें याद रखना पांडवों का कोई ना कोई महारथी भी मारा जाएगा। प्रेमी बंधु फिर क्या था, उधर चाल चली कौरवों ने के सुशर्मा से युद्ध करने के लिए अभिमन्यु के पिता कुंती पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को भेज दिया है, वंचित कर दिया है उस युद्ध से। अभिमन्यु से जब पूछा गया, बेटे ये चक्रव्यूह की लड़ाई है तुम जानते हो, कहा ताऊश्री जब मेरे पिताश्री इस कहानी को सुना रहे थे तब मैं माता के गर्भ में था, मैंने छात छह द्वारों को तोड़ने का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, सातवें द्वार पर मेरी माता श्री को नहीं डाले, लेकिन सातवें द्वार को अपने बल विवेक और धनुर्धर की योग्यता से तोड़ डालूंगा, चिंता ना करो। प्रेम बंधु सद्धर का तैयार है अभिमन्यु बाल उम्र में और उसकी धर्म पत्नी उत्तरा कुमारी हाल सजा कर आ गई है। आइए यहां का नजारा क्या है सुनेंगे तरुण बाल्यान से। उतराया गया मुखमंडल ऐसे चमके चंदा जन रात में, मुखमंडल ऐसे चमके चंदा जन रात में, उतराया ग्यार देता थाल लेक हाथ में, मुखमंडल ऐसे चमके चंदा जन रात में, मुखमंडल ऐसे चमके शराबी शराबी मेघा भी झूमर जैसे ऋतु बार साथ में, मुखमंडल ऐसे चमके चंदा जन रात में, मुखमंडल ऐसे चमके चंदा जन रात में।
जी हाँ, सुशील शर्मा गिनौरा बुलंदशहर से खुश होकर के 21 सौ रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं भाई साहब का, बार बार धन्यवाद। और गोविंद सिंह गुर्जर राजस्थान पुलिस, वो भी खुश होकर 21 सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। चल जाए मेरी